Okay, let's read out the question. A shopkeeper offers 10% off season discount and still makes a profit of 26%. एक शॉपकीपर ने 10% ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया और उसके बाद भी उसको 26% का प्रॉफिट हुआ. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर ऑफ अ पेयर ऑफ शूज मार्क एट रुपीज 1120. क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने जो है क्या कहा है, इसमें पूछा क्या है. ओके, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर हमसे पूछा है कि मार्क प्राइस 1120 रुपीज़ है एक पेयर ऑफ शूज़ का, उस पर उन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया. डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 26% का फ़ायदा हुआ. उसकी शूज़ की कॉस्ट प्राइस क्या थी, वो शूज़ कितने में ख़रीद कर लेकर आया था, राइट? तो सबसे पहले क्योंकि हमें सीपी निकालना है, ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए हमें शूज़ की एसपी पता होनी चाहिए, मीन सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए. प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है, सेलिंग प्राइस हमें पता होनी चाहिए. तो हम सबसे पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं. तो सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हम मार्क प्राइस लेते हैं. मार्क प्राइस के बाद हमारे पास जो है डिस्काउंट परसेंट है और हम सबसे पहले इसका एसपी निकालते हैं कि हमें सेलिंग प्राइस कितना है उस शूज़ का, ठीक है. तो दिस इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होल अपॉन 100 इंटू एम पी मीन्स मार्क प्राइस, राइट? तो 100 डिस्काउंट कितना था, 10 होल अपॉन 100 इंटू 1120 रुपीज़. 90 इंटू 1120 रुपीज़ होल अपॉन 100. 00 कैंसिल कर दें और इससे आपको पता लग जाएगा कि वो कितने में बिकी थी, राइट? 9218 जीरो 1008 रुपीज में वो शूज सेल हुए थे, राइट? समझ रहे? मार्क प्राइस 1120 की रखी उन्होंने, 10% डिस्काउंट के बाद वो कितने में बिका, 1008 रुपीस में. और उसके बाद भी 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उनको 26 का फ़ायदा हुआ, 26% का प्रॉफिट हुआ. तो ये बताना है आपको कि वो शूज़ अब कितने में ख़रीद कर लेकर आए थे. तो अब हमें सेलिंग प्राइस उसकी पता चल गई है, राइट? अब सेलिंग प्राइस को यूज़ करके उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं. तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे इसकी, कॉस्ट प्राइस देखो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 होल अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. डायरेक्टली आप लिख सकते हैं फॉर्मूलाज, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था, राइट? तो यहाँ पर अब आपकी एसपी कितनी है, एसपी हमने फाइंड आउट की थी 1008 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 100 होल अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा, हुआ 26% का. सो 1008 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 होल अपॉन 126, ठीक है. अब हम इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 126 वनजा एंड 8. आपको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है तो आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट? तो उसे कैंसिल करने के बाद भी वही आएगा, 26 जा 12 एंड 23 जा 6 25 जा 10 0 एंड 4 देन 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 32 जा 6 31 जा 3 31 जा 3 20 36 जा 18 38 जा 24. और अब आप डायरेक्टली यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए 8 से, ठीक है. तो ये हो गया आपका 800 रुपीज, 8 into 100 800 रुपीज मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी शूज़ की, 800 रुपीज के वो शूज़ खरीद कर लाया था शॉपकीपर, ठीक है. 800 रुपीज के शूज़ खरीदे उसने, उसको भी मार्क प्राइस रखी उसने 1120, उसके ऊपर उसने 10% का डिस्काउंट हुआ, स्टिल ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%. तो उसकी कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट की है 800 रुपीज़.